मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन तारीफ आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज जो से हम आपको रेसिपी शेयर करें वो है कीमे वाले पराठे। और कीमे वाले पराठे कैसे बनेंगे, यहाँ पर मम्मा क्या डाल रहे हैं, कौन कौन से स्पाइसेस हम लोग शामिल करेंगे और कीमा कैसे तैयार करना है ये जानते हैं मम्मा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये कीमा ना जैसे हम लोग पकाते हैं आम, वैसे कीमा बना हुआ था तो इसमें मैंने हरी मिर्चें, थोड़ी सी थोड़ा सा सूखा धनिया, मेथी, तो नमक मिर्च और डाल दिया मैंने, तो सूखा धनिया डाला। हाँ जी, मिक्स करके ना तो फिर हम लोग रोटियां पकाते हैं। आप ईद आ रही है, मैंने कहा चलो मैं ये भी अपने बहन भाइयों को बता दूं, ये आप बना के रख लें तो सुबह को अगर मियाँ जी काम पे जाएं उन्हें भी दे दें ये बना के, तो बच्चों को भी दे दें लंच बॉक्स में, घर में आप भी बना लें सुबह को, टाइम दिल करता है परौंठा खाने के लिए। अब माशाल्लाह गोश्त बड़ा हो जाना सबके घरों में, तो आप बना के खाएँ। चलो मैंने कहा ये भी मैं बता दूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने कीमे के अंदर स्पाइसेस वगैरह डाल दिए हैं जो कीमा हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसकी हम लोगों ने फिलिंग करनी है, इसके हमने पराठे बनाने हैं। तो अभी हम लोग कीमे को मिक्स करके आप लोगों के सामने तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो सी हम रोटियाँ बनानी शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब माशाल्लाह जल्दी से पक जाएंगे रोटियाँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इधर बारिश भी नहीं हुई हमारे, अल्लाह करे बारिश हो जाए तो थोड़ी सी गर्मी ना कम हो जाएगी, की वजह से भी ना बहुत गर्मी लगती है, चूल्हे का काम भी करना होता है तो वो भी लाजमी होता है, इसीलिए बच्चों को खाना पका के देना। अच्छा जी, ये मैंने ना छोटी छोटी सी रोटियां कर ली हैं, अब मैं ना इनमें ना कीमा डालती हूँ। अंदाजे से ले लेंगे ना, घी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे इसके अंदर, तेल वगैरह नहीं, वैसे है मैं आप कह रहे तो मैं लगा देती हूँ, बस अच्छा सा हो जाएगा ना, फ्लेवर में सूखा सूखा सा नहीं होगा। मैंने लगा दिया, यहाँ पे ना हमारे तंदूर पे भी ना लगाते हैं कीमे वाले परांठे, घर से कीमा भेजते ना ईद पे हम लोग, हाँ, लगाते होते हैं वो को, मतलब नमक मिर्च डाल के सब चीजें डाल के तंदूर पे, तो कीमा भेजना होता है, हाँ कीमा कच्चा भेजना होता है वो सब चीज़ें डाल के उसमें, तो वो बड़े अच्छे वो भी यहाँ के ना बनते हैं। कई लोग तो हाथ से पका लेते हैं, मैं इससे नहीं हाथ से पकता, मैं शुरू से चकने बेलने से पकाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितना बड़ा सारा हो गया, अब मैं ना थोड़ा सा और करती हूँ इसमें। चले बस आ जाए आप उधर। तो व्यूअर्स, ये लो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पराठा जो सा है वो रख दिया है तवे पर, और अब हम लोग जो सा आज ये नाश्ता तैयार कर रहे हैं कीमे वाले पराठे। ईद स्पेशल है ये हमारा नाश्ता, मतलब जैसा कि फॉर एग्जांपल ईद गुजरी है, ईद आने वाली है, तो आप लोग सुबह को नाश्ते में कुछ बनाना चाहें, वैसे यूजुअली मतलब लोग जो से लोग मतलब रोटी खाते हैं पराठा खाते हैं, तो मतलब ईद के बाद वो थोड़ी सी अपनी रूटीन को चेंज कर लें, पराठा खाएँ मगर इस तरह कीमे वाला बना लें, और फिर वो मतलब उनके लिए थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा और पता भी चलेगा कि मतलब ईद है जो सी वो गुजरी है। तो ये देखें माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और कलर भी इतना प्यारा आ गया है, तो इसके साइड चेंज करने के बाद मम्मा ने इसके ऊपर जो सा है वो ऑयल लगाया है। हाँ क्या है कि ये मतलब डालडे में बना लें, देसी घी में बना लें, देसी घी भी था मैंने नहीं बनाया उसमें, तो डालडा भी था घर में, तो वैसे इसमें बनाया इसके पापा की वजह से। तो हार्ट पेशेंट है वो तो मतलब अवॉइड ही करें जो सा है वो देसी घी, जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है वो। बस ये है ना कि अगर ना किसी को दो तो फिर वो कहता है कि मैंने ये खाना दिल करता है ना सब कहीं, ये थोड़ा सा ना इधर से है ये उधर, और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बना परौंठा, पंजाबी लोग तो सुबह के टाइम नाश्ते में रोटी ज़्यादातर खाते हैं परांठे वगैरह, तो ये थोड़ा सा इसमें से
चलो जी ये हो गया, अब हम पा लेते इसे। लो बेटा बिस्मिल्लाह, ये देखिए मैंने दूसरा बिठा, ये मैंने घी लगा दिया। तो साथ के आप लोग चाय बनाएंगे, लस्सी बना ले, गर्मी है, सुबह के टाइम बना रहे हैं तो चाहे आप लोग लस्सी बना लें, लेकिन हम लोग तो मतलब साथ चाय बनाएंगे। हमें तो चाय पसंद है, लस्सी भी बना लेते हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग चाय ही बनाएंगे इसके साथ। नाश्ता जो सा है हमारा तैयार हो गया है, रोटियां हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली हैं और मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह गर्मा गर्म जो सा हमारा पराठा है कीमे वाला वो तैयार हो गया। तो ये ई स्पेशल आज हम लोगों ने जो सा ब्रेकफास्ट है आप लोगों के साथ शेयर किया। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। और इसके साथ साथ अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तो व्यूअर्स आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। और हम लोग इस नाश्ते को करते हैं शुरू क्योंकि बहुत मज़ेदार से पराठे बने हैं, हम लोग मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। और चाय भी आ गई है यहाँ पर, आप लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप लोग मतलब चाहे चाय बनाने चाहे लस्सी बनाने, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर चाय बनाई है और हम अपने नाश्ते को जो है वो शुरू करते हैं और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। तो व्यूअर्स हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।